निवेदन नहीं नरसंहार होगा। जब ये डायलॉग मनोज बाजपेयी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में नरसंहार तो होगा ही। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है। भैया जी बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक दबंग हैं जिनको वहां की सारी जनता अपना नेता मानती है। उनका एक छोटा भाई है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा होता है। उसी छोटे भाई का मर्डर दिल्ली के दबंग का एक बेटा कर देता है। अब भैया जी दिल्ली जाते हैं और अपने भाई का बदला लेते हैं। आमतौर पर मनोज बाजपेयी की मूवी हम उनकी एक्टिंग की वजह से देखने जाते हैं, लेकिन इस बार वो भारी भरकम एक्शन करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का विलन आपको भोजपुरी फिल्म के विलन जैसा लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भोजपुरी फिल्म के विलन खराब होते हैं, लेकिन आप बात को समझ लो। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले शुरू के 45 मिनट तक एकदम टाइट है और आपको अपने सीट के एज पे रखती है, लेकिन उसके बाद ऐसी बिखरती है कि आप उसको अंत तक समेट नहीं पाओगे। उदाहरण के तौर पे भैया जी को जब गोली लगती है तो भैया जी का एक चेला उनकी होने वाली वाइफ को कॉल करते हैं और बोलते हैं, भाभी हम चारों तरफ गुंडों से घिर चुके हैं, आप जल्दी आ जाओ। अबे जब गुंडों से घिरे हो तो भाभी जी को कोई बुलाता है क्या? भाभी जी एक कदम आगे बढ़ जाती हैं। भाभी जी भैया जी की माँ को भी अपने साथ में लेकर आती हैं, एज इफ कि अगर उनकी माँ नहीं रहेगी तो ये मेरे को भी नहीं बचाएगा। आमतौर पर अगर कोई ब्लैक मनी पॉलिटिशियन को देता है तो वो छुपा करके देता है। एक ये जो विलेन है वो ट्रांसपेरेंट कांच के डब्बे में नोट जो बाहर से इतने दिख रहे हैं आप बाहर से गिन लोगे कितने पैसे हैं, वो कांच के डब्बे में लेकर के जाते हैं। सच बता रहा हूँ, मैं अगर भैया जी का किरदार कर रहा होता तो मैं भूल जाता कि मैं अपने भाई के मरने की वजह से गुस्से में हूँ। पहले इन बेवकूफों के हरकतों की वजह से मैं गुस्से में आता और इनको मारता। मनोज बाजपेयी भी कम नहीं है, ऊपर से हजारों गोलियां चल रही है और उनकी माँ खुले में उनसे कह रही है बेटा प्रतिशोध लेना, और अपने भैया जी बोलते हैं हाँ मैं प्रतिशोध लूंगा, और अचानक से उनको याद आता है ऊपर से गोलियां चल रही है भागो। मैं जब ये फिल्म देखकर निकला तो मुझे लगा कि मैं किसी हादसे का शिकार हो गया हूँ। अच्छा होता कि एक दो गोली इनके गुंडे मुझे मार देते, ताकि कम से कम मुझे ये पूरी फिल्म तो नहीं देखनी पड़ती। अगर आपको भी हादसे का शिकार होना है तो आप भी जाएं और 200 रुपए देकर इस भोजपुरी फिल्म का आनंद उठाएं। और एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा कि भोजपुरी फिल्में खराब होती है, बाकी आप समझ लो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने फिल्म देख ली है तो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में डालें, मैं पढ़ूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।